नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दोस्तों, मैं आज अपने बगीचे का ओवरव्यू करवा रही हूँ। ये मेरा एक मच का ट्री है, बगल में ये बासिल का पौधा है। दोस्तों, ये मैंने हैंगिंग पौधा लगा रखा है, एक डब्बे में मैंने इसको लगाई। ये पीपल का मैंने बोनसाई बना रखा है। ये गुलाब का पौधा कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे में है। ये करी पत्ते हैं। ये छोटी सी मिर्ची है जो अभी मैं लगाने वाली हूँ, अभी लगाई नहीं हूँ। ये दो छोटे छोटे गेंदे लगाने के लिए मैं लेके आई हूँ नर्सरी से। ये बैगन बेलिया का पौधा है, इतना छोटा में ही यह फूल भी दे चुका है। ये देखिए इसका फूल। दोस्तों, ये कैरोटन, इसको तो मैंने वीडियो बना रखी है। ये मेरा मनी प्लांट है, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये एडेनियम का पौधा जो मैंने काट कर डाल लगाया था, वही एडेनियम का पौधा है। ये शो का पौधा मैंने लगाया है। ये नीम का पौधा है, ये भी शो का पौधा है। ये गंधराज है दोस्तों, गंधराज, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। ये सब शो वाले पौधे हैं। ये पौधे को देखिए, इसके पत्ते ऐसे ऐसे करके मुड़ते हैं, जो काफी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, ये पाकर है। पाकर, पीपल और पाकर में अंतर होता है। दोनों के पत्ते दो तरह के होते हैं। इसको भी मैंने बोनसाई बनाने के लिए रखी है। इसमें मैंने वायरिंग कर रखी है। दोस्तों, ये बगल में अमरूद का पौधा है, ये अमरूद, इसको भी मैंने बोनसाई बनाने के लिए रखा है। ये कैक्टस है दोस्तों, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। देखिए इसके फूल कितने खूबसूरत हैं, काफी। ये इसी के पौधे को मैंने कल इसमें डिस गार्डनिंग में लगाया था। ये नींबू का नन्हा सा पौधा है, इसको मैंने एक छोटा सा डाल काट के लगाया था। इसको कीड़े खा रहे थे, दवा देने के बाद इनको कीड़े ने छोड़ा है। ये शो का पौधा है, ये भी एक तरह का कैरोटन है, ये भी कैरोटन है। दोस्तों, ये वासील का पौधा है, ये चंदन तुलसी, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। ये भी शो वाला पौधा है। ये अभी जाड़े में रेड कलर का हो जाएगा, इसके पत्ते रेड हो जाएंगे। अभी हरे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे पत्ते रेड रेड हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा रोज का गार्डन है। रोज की अभी मैंने कटिंग कर रखी है, इस पर मैंने वीडियो बना के डाली है, आपने देखा होगा। इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाली। दोस्तों, ये काफी खूबसूरत फूल हैं। इसके नाम को मैं भूल गई हूँ, क्या नाम है, आप अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। मैं भूल गई हूँ क्या नाम है। एक आध गुलाब खिल रहे हैं नन्हे नन्हे से, अब समय आएगा तभी गुलाब अच्छे खिलेंगे। दोस्तों, मैंने एक कैरोटन का यहाँ छोटा सा डाल लगाया था, वह कैरोटन। दोस्तों, ये करेला का मेरा वृक्ष,
एक करेला है। मैंने सोचा कि आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिलवा दूं, दिखाऊं कि किस तरह से मैंने लगा रखे। दोस्तों ये मिर्ची, मिर्ची का पौधा, ये भी मिर्ची, ये सब जो ब्रोकली मैंने लगा के दिखाई थी आपको, वो ब्रोकली के पौधे अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये दोस्तों आम का पेड़ है, आम की मैंने दो तीन वैरायटी लगा रखी है। ये स्वर्ण रेखा है, इसको स्वर्ण रेखा बोलते हैं। ये जमीन में मैंने अमरूद लगा रखी है, बोनसाई वाली अमरूद तो खाने में नहीं आएगी, देखने के काम आएगी, ये खाने के काम आएगी। ये पॉलिथीन में मैंने यहाँ पर खेती कर रखी है। ये मिर्ची है दोस्तों, ये जमाइन का पौधा, ये पत्थर चट्टा है, ये मिर्ची, ये आम का मैंने बोनसाई बना रखा, ये तीनों आम के लिए बोनसाई बना। ये बैगन है, बैगन का पेड़ थोड़ा कमजोर दिख रहा है। ये अंगूर है, देखिए कितना अंगूर कितना फैल रहा है, इसको बचा उधर से अब समेट के हमको इधर लाना होगा। ये पूरे का पूरे ये खा गया। ये सब ब्रोकली जो मैंने छोटे छोटे दिखाए थे, अभी देखिए ये काफी बड़े हो गए हैं, अभी इनको मिट्टी देनी है। दोस्तों ये टमाटर, टमाटर में देखिए ये फल आना शुरू हो गया, टमाटर में ये फल लगने लगे। ये इसको मैंने बांध रखी है क्योंकि सबके सब जमीन में गिर जाते हैं तो उनको ढूंढने में भी मुश्किल होती है और सब नीचे सड़ जाते हैं। दोस्तों ये मेरा केला का पेड़ है, केला, अभी इसमें एक केला लग गया है। ये दोस्तों मेरा शरीफा है, शरीफा, ये शरीफा का पौधा है। ये दोस्तों आप देखें, ये बैगन की खेती है, ये बैगन निकल गई है, बैगन निकली हुई है, यहाँ भी बैगन अब दे रहा है। ये दोस्तों अनार का पौधा है, इसमें अभी तक फल नहीं लगे, अभी 6-8 महीना पहले मैंने लगा के रखी होगी। दोस्तों ये आम का मैंने बताया आपको कि मैंने 2-4 वैरायटी लगा रखी है। ये लंगड़ा आम का पेड़ है, इसके बगल में मैंने एक बैगन डाल रखा है, बैगन में यहाँ पर लगता है कीड़े लग गए हैं। ये दोस्तों ये भी एक आम का पेड़ है, इसको थाईलैंड का आम बोला, ये थाईलैंड का आम है, मैंने 2 लगाए, थाईलैंड का आम है, ये साल भर ही यानी बरमासी है, सालों भर ये फल देगा। अब देखते हैं, अभी तक तो फल दिया नहीं है, मंजर जरूर दिया है, 2 बार इसने मंजर दिया, मैंने उसके मंजर तोड़ दिए। ऊपर में देख रहे हैं दोस्तों, ये लौकी है, लौकी को मैंने तार बांध रखी है, तार से इसका मचान बना दिया है ताकि इस पर लौकी फले। इधर भी केले के पेड़ हैं, इधर बोधी बीन्स लगा रखी है, ये नींबू है, ये नींबू फलेगी
फिर ये खाने के काम आएगी। दोस्तों एक थाईलैंड वाली आम की ट्री ये भी है, ये तो बरमासी के रूप में ये बार बार मंजर देता है। एक आप ये देखिए, ये अभी भी दिए हुए, आह अभी निकल गया, ये देखिए, अरे ये देखिए, ये है दोस्तों, ये पपीता है, इसमें से कुछ पपीता पके हैं, हम लोगों ने उसको खा लिया। ये एक है आम का, ये क्या आम होता है भूल रही हूँ मैं, इसका याद आ नहीं रहा, एस अल्फांसो, उसका पेड़ है मैडम, ये अल्फांसो का हुआ। ये फिर बैगन ही है, इसमें भी बैगन शायद लगे हुए हैं, ये देखिए ये गोले वाले बैगन है, अरे इसमें क्या लग गया, अरे क्या लगा, एक मैडम ये पेड़ देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पेड़ आम्रपाली है। आम्रपाली हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बिहार से बिलोंग करती हूँ मैं, वहाँ का ये काफ़ी प्रचलित आम है। यह इसकी ऊंचाई 6-7 फीट से ज़्यादा नहीं होती। ये मूली है। तो दोस्तों ये पुदीने हैं, ये पुदीने हैं, पुदीने को मैंने यहाँ डब्बे में भी लगा रखी है, ये डब्बे में भी लगा रखी है। तो जिन लोगों के पास जमीन में दिक्कत है, जमीन नहीं है, उतना लैंड नहीं है, तो वो चाहे तो डब्बे में भी पुदीने को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं दिवाली के दिन अपने बगीचे का ओवरव्यू आप लोगों को करवाई हूँ, और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें और आप हैप्पी दिवाली अपना मनाएं, आपके बच्चे आपके परिवार स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।